हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल ग्रिप टू साइंस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक व्हिच इज़ नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन एज वी ऑल नो दैट इट इज़ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर आप सभी को पता है कि एयर क्या है दैट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज यानी कि उसके अंदर बहुत सारे गैसेज है लाइक ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत सारी गैसेज है और मेजर कंपोनेंट क्या है उसके अंदर नाइट्रोजन कितना है नीयर अबाउट सेवेंटी एट परसेंट सो टूडे वी विल डिसकस अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल दैट हाउ नाइट्रोजन सर्कुलेट्स कैसे सर्कुलेट होती हैं कहाँ बिटवीन एटमोसफेयर एंड अर्थ एटमोसफेयर के अंदर प्रेजेंट है नाइट्रोजन अर्थ तक आती है प्लांट्स यूज करते हैं एनिमल्स यूज करते हैं बाई फॉलोइंग द डिफरेंट स्टेप्स लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनीफिकेशन नाइट्रिफिकेशन डी नाइट्रिफिकेशन एंड लास्ट में वापस फिर से एटमोसफेयर में चली जाती है दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल नाउ वी विल डिस्कस इट इन डिटेल नाइट्रोजन साइकिल इट इन्वॉल्वस द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द बायोटिक एंड ए बायोटिक कम्पोनेट ऑफ एटमोसफियर हमने पढ़ा था बायोटिक और ए बायोटिक कम्पोनेंट के बारे में बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट ए बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट तो उनके बीच में नाइट्रोजन सर्कुलेट होती है दिस इज नॉन एज नाइट्रोजन साइकिल द एलिमेंटल नाइट्रोजन मीन्स एंड टू ऑफ एयर इज कन्वर्टेड इंटू सिंपल मोलिक्यूल्स सिंपल मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं फिर वो लिविंग ऑर्गेनिजम यानी कि प्लांट्स और फिर एनिमल्स में एंटर करती हैं देन इट फॉर्म द कॉम्पलैक्स मोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स और वो फाइनली ब्रेक डाउन होते हैं टू रिलीज नाइट्रोजन बैक इंटू द एटमोस्फेयर दिस नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक नाम से पता चल रहा है नाइट्रोजन को फिक्स करना है कहाँ फिक्स करना है सॉइल में फिक्स करना है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इट अकर्स इन थ्री फॉर्म्स फर्स्ट वन एटमोसफेयरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमोसफेयर है यानी कि नेचुरली हो रही है तो इसको हम नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कह देते हैं तो जो एटमोसफेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है हाउ इट अकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग जब बिजली चमकती है द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएटेड इन द एटमोसफेयर अलाउज नाइट्रोजन टू कम्बाइन विद ऑक्सीजन लाइटनिंग के टाइम पर क्या होता है जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है एंड इट फॉर्म ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगी ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती हैं एंड दीज ऑक्साइड्स दे डिजोल्व इन रेन वाटर बारिश के पानी के साथ मिक्स होते हैं डिजोल्व होते हैं एंड दे फॉल ऑन द लैंड एज नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड नाइट्रस ऑक्साइड जब रेन वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो वह बनाएगा नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड कंबाइन करके बनाएगा नाइट्रिक एसिड दे गेट मिक्स विद सॉयल एंड आर यूज बाई प्लांट्स और इस तरह से प्लांट्स उसको यूज करते हैं नेक्स्ट आती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी नेचुरल है बायो बायोमीन्स नेचुरल लिविंग यानी कि यहाँ पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे अभी जो बैक्टीरिया है इनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम बैक्टीरिया ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कहाँ प्रेजेंट होता है इन द रूट्स ऑफ लेगोमिनस प्लांट लेगोमिनस प्लांट्स कौन से हैं लाइक पीज पल्सिस उनके रूट्स में प्रेजेंट होता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है नेक्स्ट मेथड इज़ इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको हम आर्टिफिशियल मेथड भी कह रहे हैं क्योंकि हम लेबोरेटरी कंडीशन में कर रहे हैं ना सो इट इज आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो लैब कंडीशंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कराते हैं एंड इट फॉर्म अमोनिया और फर्दर इसको आगे हम यूज़ कर सकते हैं सेकंड स्टेप इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया अब हम क्या होगा नाइट्रोजन एसिमिलेशन। द फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन वंस कन्वर्टेड इंटू यूजेबल फॉर्म इट गेट एब्जॉर्ब बाय रूट्स ऑफ प्लांट्स फिक्स हो गई अब प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करेंगी विद वाटर प्लांट्स को हम पानी देते हैं तो उस पानी को जब रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं तो उसके साथ वो उस फिक्स नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब करती हैं एंड इट चेंजेस दैम इंटू अमोनियम आयन अब तो वो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा अमोनियम आयन बनाएगा दीज अमोनियम आयन्स दे रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म अमीनो एसिड्स तो प्लांट्स के अंदर क्या बनते हैं अमीनो एसिड्स बनते हैं एंड दीज अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इन टू प्रोटीन्स ये आगे प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड स्टेप इज अमोनिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन प्लांट के अंदर प्लांट प्रोटीन बनी एनिमल्स के अंदर एनिमल प्रोटीन बनी अब ये जो प्रोटीन्स हैं दे गेट कन्वर्टेड इंटू अमोनिया एंड द प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन द प्रोटीन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेटाबोलाइज बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉयल विच गेट कन्वर्ट दैम इंटू अमोनियम आयन तो ये जो प्रोटीन्स थी ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती हैं अब इन अमोनियम आयन का क्या होता है नाइट्रिफिकेशन होता है नाइट्रिफिकेशन कैसे होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं इन अमोनियम आयन को कन्वर्ट करते हैं किस में नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज नाइट्रीफिकेशन अब देखो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ देन नाइट्राइट बना फिर नाइट्रेट बना हमने उसको नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर लिया यूटिलाइज कर लिया प्लांट्स ने एनिमल्स ने अब क्या होगा वापस एटमॉस्फेयर में जाएगी ना तभी तो साइकिल कंप्लीट होगी तो वापस एटमॉस्फेयर में जाने के लिए क्या होगा डी नाइट्रीफिकेशन अब डी में क्या होगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इनटू फ्री नाइट्रोजन दिस इज कॉल्ड डी नाइट्रीफिकेशन फिक्सेशन हुई अमोनिफिकेशन हुई अमोनिया बन गया नाइट्रिफिकेशन हुई नाइट्राइट और नाइट्रेट बन गया वापसी में वापस एटमोसफेयर में भेजने के लिए डी नाइट्रिफिकेशन हुई यानी कि ये जो नाइट्रेट नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स आयन बने थे वो फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए और इस तरह से ये साइकिल हमारी कंप्लीट होती है तो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर कितने स्टेप्स हुए फाइव फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्री वेज हो गए उसके हमारे कौन कौन से एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन Second step, nitrogen assimilation. Third, ammonification. Fourth, nitrification. And last and fifth is denitrification. So, this was all about the nitrogen cycle. Thank you, students.